डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम 10th क्लास की समकालीन भारत अर्थात ज्योग्राफी का लेसन 3 ही कंटिन्यू रखते हुए आगे बढ़ेंगे। लेसन का नाम है कृषि। एक एक करके हमने भारत की विभिन्न मुख्य फसलों के बारे में अध्ययन किया। कम से कम 13-14 मेन मेन फसलों के बारे में आपने जानकारी हासिल की। आज हम पढ़ेंगे कि किसानों की किस तरह से सरकार मदद कर रही है, कृषि उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए भारत सरकार किसानों को किस तरह से सहयोग दे रही है, या स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कृषि में क्या क्या सुधार हुए हैं। तो आइए कोशिश करते हैं जानने की। देखिए, कृषि में सुधार के लिए समय समय पर केंद्र सरकारों ने भी और राज्य सरकारों ने भी अपने अपने हिसाब से बढ़ावा दिया है। कृषि के लिए विभिन्न अथक प्रयास किए हैं ताकि किसानों को मदद हो सके, और कृषि उत्पादन बढ़ेगा तो देश की तरक्की होगी। ठीक है, कृषि से हमें कच्चा माल प्राप्त होता है जो हमारे उद्योगों में काम आता है। अगर हमारी कृषि ही पिछड़ी हुई है तो हमारा उद्योग धंधे भी विकसित नहीं हो पाएंगे, और उद्योग विकसित नहीं तो हम एक विकसित देश में कभी भी शामिल नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसलिए कृषि की तरफ ध्यान देने के लिए सरकार भी प्रयासरत है। और क्या क्या प्रयास किए गए हैं, आइए हम उनके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। सबसे पहले किसानों के लिए भूमि सुधार किए गए, जो प्राचीन काल में जैसे कि अंग्रेजों के समय में अंग्रेजों ने क्या किया था कि एक जमींदारी सिस्टम, मनसबदारी सिस्टम, इस तरह की ये प्रथाएँ लागू कर देती। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ये प्रथाएं तुरंत हटा दी गई, क्योंकि इनसे किसानों को फायदा कम था। ऊपर वालों को, जैसे मनसबदारों को, बड़े जमींदारों को, सेठों को ज़्यादा फायदा था। कर के रूप में उनसे बहुत बड़ी रकम वसूल की जाती थी और किसानों की स्थिति दयनीय होती जा रही थी। अंग्रेजों के समय ये चीज़ें शुरू हुई थी, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सरकार ने तुरंत खत्म कर दिया। खेतों की चकबंदी की गई, सहकारिता की गई और सामूहिकता को समाप्त किया गया। जैसे कि सभी खेतों को एक इकट्ठा करके फसल बोई जाती थी, उसका कुछ कुछ हिस्सा किसानों के पास जाता था, वो सब चीज़ें खत्म करके भूमि बंदोबस्त में सुधार किया गया। दूसरे नंबर पर विकास कार्यक्रम शुरू किए गए। 1980 तथा 1990 के दशकों में, 1980 और 1990 के दशक में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किए गए, व्यापक स्तर पर, बड़े स्तर पर। इस दिशा में सराहनीय कदम उठाए गए, जैसे कि सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग और बीमारी के लिए फसल बीमा के प्रावधान शुरू किए गए। किसानों को कम दर पर ऋण की सुविधाएं दी गई ताकि वो बैंक से ऋण ले सके, किसी सहकारी समिति से ऋण ले सके, ग्रामीण बैंक खोले गए ताकि वहां से वो ऋण की व्यवस्था करके अपनी कृषि की शुरुआत कर सके। ठीक है, उसके पश्चात ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों और क्रेडिट कार्ड आदि की व्यवस्था की गई। व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम के तहत कृषि को बढ़ाने के लिए तकनीकी सुविधाएं मुहैया कराई गई, संस्थागत जो भी कमियां थी उनको सुधारा गया। आर्थिक सहायता, तीसरा पॉइंट है आर्थिक सहायता। कृषि में निवेश के लिए, यानी कृषि में पैसा खर्च करने के लिए, पैसा लगाने के लिए भारत सरकार बड़ी मात्रा में आर्थिक सहायता देती है, किसानों की मदद करती है। उसको उर्वरक खरीदने के लिए, बीज खरीदने के लिए, कीटनाशक आदि पर पैसा लगाने के लिए, निवेश करने के लिए बड़े धन की ज़रूरत होती है, जो सरकार उन्हें किसी न किसी तरीके से उपलब्ध कराने की कोशिश करती है। उसके पश्चात आधुनिक तरीकों द्वारा जागरूकता कि उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए, क्योंकि कृषि से हमारे उद्योग धंधे विकसित होते हैं और उद्योगों से हमारा देश तरक्कीशील होता है, इसलिए कृषि पर सरकार भी ध्यान देती है। उत्पादन में वृद्धि के लिए किसानों को आधुनिक तरीकों का ज्ञान कराया जाता है, मीडिया के द्वारा, टीवी के द्वारा, रेडियो के द्वारा उन्हें नई नई चीज़ें सिखाई जाती हैं, प्रेरित किया जाता है, जैसे कि HYV बीजों का प्रयोग है, नई कृषि प्रणालियों के तरीकों का ज्ञान दिया जाता है, आधुनिक यंत्रों का प्रयोग कैसे किया जाए ये बताया जाता है, अच्छी उपज देने वाले बीज जिससे कि फसलों की मात्रा बढ़ जाती है 2 गुना 3 गुना, और जैसे हरित क्रांति थी HYV बीजों का प्रयोग, इस तरह से उनको अनेक तरह की जानकारियाँ दी जाती हैं जिससे कि किसानों की जो खेती है वो विकसित हो सके। उसके पश्चात किसानों के लिए बीमा तथा ये कर्ज देने की योजनाएं भी शुरू की गई। फसलों पर बीमा तथा कर्ज योजनाओं की शुरुआत
कैसे की गई। भारतीय कृषि आज भी मुख्यतः प्रकृति पर ही निर्भर है। अत्यधिक जोखिम वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कभी अकाल तो खैर आजकल कम पड़ते हैं, लेकिन फसलों में सूखा ज़्यादा पड़ जाता है या पानी नहीं आता या कई बार बारिश ज़्यादा हो जाने से फसलें खराब हो जाती है। तो ऐसी आपदा की स्थिति में जो सरकार है वो फसलों का बीमा करने तथा कृषि के लिए ऋण जैसी सुविधाएँ मुहैया कराती है, जैसे कि क्रेडिट किसान कार्ड, फसल बीमा योजना आदि। कृषि विश्वविद्यालय तथा विशेष सेमिनारों की स्थापना की जाती है समय समय पर। किसानों को शिक्षित व जागरूक किया जाता है। उन्हें कृषि विश्वविद्यालय तथा सेमिनारों की व्यवस्था की गई है ताकि वो कृषि में जिन किसानों को अधिक पैदावार में इंटरेस्ट है वो वहाँ से सीख सके। इसके लिए विभिन्न तरह की शिक्षा भी शुरू की गई है। एग्रीकल्चर स्कूल कॉलेज खुले हुए हैं। सिंचाई योजनाओं का निर्माण, किसानों को बिजली और सिंचाई की सुविधाएं भी सरकार मुहैया कराती है। समय समय पर उनकी बिजली गांव में भेजी जाती है। जैसे अगर एक गांव में है तो उसके बाद दूसरे गांव में कट बेशक दिया जाए, लेकिन उनको जो सिंचाई के समय बिजली की ऊर्जा की जरूरत पड़ती है वो उन्हें सरकार कोशिश करती है कि समय पर सुविधाएँ दी जाए सिंचाई की भी ऊर्जा की भी। उसके लिए समर्थन मूल्य आदि का भी, यानी कि फसल के बोते समय ही फसलों का न्यूनतम समर्थित मूल्य तय कर दिया जाता है ताकि बिना किसी भय के किसान अपनी फसलों की पैदावार कर सके। अगर कोई स्थिति जोखिम वाली आ जाती है तो किसान एक निश्चिंत रहता है कि उसे उस फसल की जो निश्चित की गई रकम है वो तो मिलेगी ही, ठीक है। सब्सिडी है, सरकार कृषि निवेश के लिए भारी सब्सिडियाँ भी उपलब्ध कराती है। इस तरह से सरकार विभिन्न प्रकार के ये स्टेप उठाती है जिसकी वजह से उत्पादन में सुधार हो रहा है और किसानों को भी नई नई चीज़ें, नई नई तकनीकों का ज्ञान हो रहा है, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल इससे आगे हम पढ़ेंगे कि कृषि में किस तरह की समस्याएं हैं, सरकार इतनी मदद कर रही है उसके बाद भी कुछ समस्याएं खड़ी हैं तो वो किस वजह से हैं, उनके क्या उपाय हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल मिलते हैं आपसे। थैंक यू वेरी मच। और एक चीज़ और, आपका ये लेसन पूरा होते ही कल कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद इस लेसन से रिलेटेड आपका एक 20 नंबर का टेस्ट होगा जिसके नंबर आगे ऐड होंगे। आपको सीरियस होकर इस लेसन को ध्यान से एक दो दिन में कंप्लीट लर्न कर लेना है, ठीक है। ओके। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.